प्रश्न, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। बाप की कौन सी राय स्वीकार करो तो बाप आपका हर पल मददगार है। बाबा हमारा मददगार बनेगा, इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझना है। कब मदद करेगा? कब मदद करेगा? उत्तर, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिनकी माफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि योग मेरे में लगा। ये स्थूल कार्य तो अपने आप होते रहेंगे, जो बुद्धि में व्यर्थ मनन व्यर्थ चिंतन व्यर्थ की बातें चलती रहती है उन्हें स्टॉप करके केवल मेरी श्रीमत पर अपने आप को कैसे हर कर्म करना है हर एक्ट करना है वो समझाते रहना। कोई भी कर्म करना है अलर्ट बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, दुनिया वाले सब कहते रहेंगे, पर तुम मुझे वो करना है जो बाबा ने करने के लिए कहा है, मुझे वो नहीं करना है जो बाबा ने करने के लिए मना किया है। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी, यही सस्ता सौदा है, यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत रखो, आप बाबा की श्रीमत पर चलो तो फिर बाबा मदद कैसे करता है? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, चलने से हमें जो प्राप्ति होती है वो हमारे अंदर उमंग उत्साह को बढ़ाता है, और अच्छी तरह और ध्यान देकर और अटेंशन देकर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और हमें प्राप्तियां बढ़ती जाती हैं, तो हमारा अटेंशन भी बाबा की श्रीमत पर बढ़ता जाता है। यही है बाबा की मदद, यही है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाकी परमात्मा ऊपर से आकर के हमारे लिए कोई काम करने वाला नहीं, ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर बिठा देना है। परमात्मा की मदद है गाइडेंस, रास्ता दिखाना, बस उस रास्ते पर चलना या ना चलना ये हर आत्मा का अपना पार्ट है।